हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक की दुकान में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.10.11 और इसके बारे में किस में क्या क्या नए बग फिक्स किए गए हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो अपडेट आई थी 8.10.9, तो आज ये अपडेट सभी डिवाइसों को नहीं मिली थी जो 9 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। तो गाइस, मैं आपको अब इसके जो नई बग फिक्स किए गए हैं 8.10.11 में, तो उसके बारे में बता दूंगा इसमें क्या क्या नए बग्स फिक्स किए गए हैं। तो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या नए बग फिक्स किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.10.11 चेंज लॉग प्रीव्यू। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या नए बग फिक्स किए गए हैं। तो भाई, इसमें जो पहला बग फिक्स किया गया है वो है MI एप्स आइकन इज नॉट शोइंग इन नोटिफिकेशन पैनल। तो गाइज, MI के जो ऐप्स हैं उनमें जो नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन पैनल में उनके आइकन शो नहीं हो रहे हैं। तो गाइज, इस अपडेट में इसको फिक्स कर दिया जाएगा। और गाइज, दूसरा जो बग फिक्स किया गया है वो है डिजिटल मैसेज शो ऑन सिस्टम एप्स अपडेटेड बट देयर आर नॉट एप्स नीड टू बी अपडेटेड। तो गाइज, हम सेटिंग में जाते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं सिस्टम ऐप्स अपडेटर। तो यहां पर मेरा एक ऐप दिख रहा है अपडेट होने के लिए। तो गाइज, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो गाइज यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कोई ऐप शो ही नहीं हो रहा है। तो इस अपडेट में इस बग को फिक्स कर दिया जाएगा। और गाइज, अगला जो बग फिक्स किया गया है वो है MI क्लाउड हैज स्टॉप्ड। तो गाइज, Xiaomi की कुछ डिवाइसों में जब हम MI क्लाउड को चलाते हैं तो उसमें MI क्लाउड हैज स्टॉप्ड बताता है। तो इस अपडेट में इस बग को फिक्स कर दिया जाएगा। और गाइज, अगला जो बग फिक्स किया गया है वो है रॉन्ग डेट फॉर्मेट इन जर्मन वर्जन। तो गाइज, ये जर्मन वर्जन के लिए है, उसमें डेट का कुछ इशू था जिसको इस बग में फिक्स कर दिया जाएगा। और गाइज, अगला जो बग फिक्स किया गया है वो है व्यू सिम कार्ड स्पेस शो ब्लैंक नेम फॉर सिम वैन ओपनड डायरेक्टली फ्रॉम सेटिंग। तो गाइज, हम पहले कॉन्टेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर जो नंबर देखते हैं यहाँ पर 0 आते थे। तो गाइज, इस अपडेट में इसको फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पर जितने नंबर आपके सेव हैं इतने यूज दिखाएगा, टोटल हैं वो आपको शो करेगा। और गाइज, मैं आपको बता दूँ इस अपडेट में बैटरी परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी होगी और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थोड़ी देरी से काम करता है तो वो काफ़ी तेज़ी से काम करने लगेगा। और हो सकता है Xiaomi इस बार कुछ मोबाइल्स में पोर्ट्रेट मोड भी ला दे कैमरे में। और गाइज, और भी कुछ इसमें चेंज किए जाएंगे तो कल मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा अपडेट आने के बाद। आपको बेल आइकॉन ऑन कर लेना है ताकि हम हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।